हमारा मिलना काफ़ी अचानक से ही था। हुआ यूँ कि बस जब टिपिकली जैसे घर में होता है कि जब लड़का थोड़ा सेटल हो जाए तो घर वाले शादी देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। मैंने कॉलेज ख़त्म किया, पढ़ाई ख़त्म की अपनी, और उसके बाद जब जॉब में आया तो पेरेंट्स ने शादी वादी देखने का सोचा। तो हमारी बात तो ऐसे घर में ऐसे हो रखी थी कि अभी 6-7 महीने बाद देखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने हमारी प्रोफाइल बना दी कुछ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे, तो उन्होंने देखना शुरू किया। और फिर उन्होंने बहुत ही बेकार बेकार प्रोफाइल्स मुझसे शेयर करनी शुरू करी पेरेंट्स ने। उसको काउंटर करने के लिए फिर मैंने अपने खुद की एक प्रोफाइल बनाई shaadi.com पे, जहाँ पे मुझे सृष्टि का रिक्वेस्ट आया। काफ़ी रिक्वेस्ट से जो चेक कर रहे थे उसमें नीचे एक रिकमेंडेशन में शुभम की प्रोफाइल दिखी थी हम लोगों को। तो फर्स्ट लुक एक किसी पर्सन का देख के, पता नहीं मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट, पता नहीं क्यों इनकी इनका वो फोटो देख के आया था कि हाँ ही इज़ वेरी जेन्युइन और बहुत सिंपल काइंड ऑफ बंदा है, ये मुझे देख के लगा था। तो मैंने इनका प्रोफाइल ओपन किया था और अपने भाई को दिखाया, फिर हम लोगों ने देखा, प्रोफाइल अच्छा लगा सबको, देन इनको रिक्वेस्ट सेंड किया गया मेरे घर से। एक दिन, उस दिन ही कुछ घंटों बाद देखा कि हाँ वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी। एंड देन फिर मेरे पापा सोचे कि ठीक है तो बात किया जाए, तो पापा ने बात की इनसे, बात करके पापा वॉज लाइक हाँ बंदा सही है, ठीक है, बात करके तो अच्छा लगा, हाँ कॉन्फिडेंस सा लगा था बात करके, क्योंकि खुद से बात कर रहा था कोई बंदा। उस दिन बात करने के बाद आई वॉज लाइक हाँ अच्छा है, मतलब मेरे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन इनका था इज वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ। लखनऊ में गेट टुगेदर हुआ मेरे पेरेंट्स, शुभम के पेरेंट्स, और हम छह वो आपस में मिले, और उस दिन ही बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने हमें लंच पे, मम्मी पापा ने शुभम के बुलाया था, हम लोग नेक्स्ट डे लंच पे भी गए थे, काफ़ी अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत ही अच्छे लगे मुझे उसके घर में सब कोई। एंड देन आई वॉज लाइक ओके, मुझे, मैं क्या सोचती थी, मैंने तब तक नहीं सोचा था कि मुझे कैसा बंदा कैसी फैमिली चाहिए थी, बट आफ्टर मीटिंग सबसे मुझे ये लगा यस ही इज द वन। मेरे दिन खुशी से झूमे गाए राते, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, अब मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी लाइफ पार्टनर हो, काफ़ी हद तक सृष्टि वैसी ही है, और काफ़ी हद तक व्हाट डू यू मीन सरकार जैसे होनी चाहिए तो वो सब है, और थोड़ी बहुत जो नहीं है वो हम ठीक कर देंगे। अच्छा, ओह माय गॉड। लगता है आज की डेट में कि हमारी दो बेटियां बढ़ गई, हमारे परिवार में दो बहुएं नहीं आई हैं बल्कि दो बेटियां और एडिशन हुआ है हमारे परिवार में, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी, और हमारा ये सौभाग्य ऊपर वाले की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है
कि आज हमारा परिवार पूरा हो गया है और उसमें सभी एक दूसरे को बहुत चाहने वाले, बहुत मिलनसार, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हम लोग के अंदर, ये हमें फील होता है।